योग हर किसी के जीवन में कई बड़े बदलाव लाता है। कुछ ऐसा ही उदाहरण उदयपुर शहर के मिथुन गंभीर का भी है। रोड एक्सीडेंट के दौरान हेड इंजरी होने की वजह से मिथुन के करीब एक महीना कोमा में रहे। इसके बाद उनके शरीर के कई हिस्से कार्य नहीं कर रहे थे। इसके बाद डॉक्टरों के सजेशन पे उन्होंने योगा करना शुरू किया। योगा करने के करीब एक महीने में ही उनके शरीर में कई सारे बदलाव महसूस होने लगे और उन्होंने योगा के बारे में जानना और पढ़ना शुरू किया। इसके बाद मिथुन ने अपनी वेल सेटल्ड जॉब छोड़कर योगिक साइंस में ही अपना भविष्य तलाशना शुरू किया। योगा की विभिन्न मुद्राओं के बारे में जानना और उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। अब मिथुन BSc योगिक साइंस के छात्र हैं और एक योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही मिथुन ने हठ योगा में अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया है। मिथुन का कहना है कि योगा हर किसी के जीवन में कई बड़े बदलाव लाता है और हर व्यक्ति को योगा अपनी रूटीन की लाइफ में शामिल करना चाहिए। दो फरवरी 2021 को एक मेरे साथ में एक्सीडेंट हुआ था। दुर्घटना ऐसी हुई थी कि मैं हमेशा एक तरह ऑफिस जा रहा था, सुबह में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं नीचे गिर गया और मेरे सर में चोट आई, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और जैसे करके वहाँ पे जो अनजान व्यक्ति थे, जितने भी जिन्होंने मेरा हेल्प किया, तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद में मेरा वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू हुआ और जैसे करके मेरे घर वाले सब लोग आ गए थे वहाँ पे। और ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो मेडिकेशन वगैरह भी हो गई, मतलब दे दी गई थी। और ये सब दौर जो है वो बहुत ही खतरनाक दौर था क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी, कोरोना का दूसरा फेज था। उस समय में ना तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, ना ही नर्सिंग स्टाफ। तो जैसे जैसे करके उन्होंने जो मेरा बेसिक ट्रीटमेंट था वो शुरू किया, MRI CT जो भी होता है। एक्सीडेंट की वजह से मैं एक महीने तक कोमा में रहा और कोमा से निकलने के बाद में काफ़ी सारे अलग अलग डॉक्टर्स, हॉस्पिटल भी चेंज किए। दो महीने का ये पूरा प्रोसेस चला। आखिरी में एक डॉक्टर ने मेडिकेशन के साथ में मुझे योग करने की सलाह दी। योग मैंने किया, विद इन 1 मंथ के अंदर मेरे अंदर जो ड्रास्टिक चेंज आया, उस चेंज के कारण मैंने अपनी वेल सेटल्ड जॉब थी मैंने